काला पोशाक वाला आदमी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है, हाँ डायना वहीं जाना है, लाल खाल जंगल। डायना काला पोशाक वाले आदमी को देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। डायना की ये बात कहते ही काला पोशाक वाला आदमी डायना को और ज्यादा गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, पर उससे कहता कुछ नहीं है। अगले ही पल डायना अपने एकास्त्र पकड़े हुए हाथ को आगे बढ़ाती है और मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। देखते ही देखते डायना के सामने एक बड़ा सा गोल चक्र बन जाता है जो हरी रोशनी के साथ चमकने लग जाता है। डायना काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, स्थानांतरण द्वार तैयार है, अब हम लालखाल जंगल जा सकते हैं। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, तो फिर अब और देर क्यों कर रही हो डायना, चलो जल्दी। डायना धीरे से बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, मैं कहाँ देर कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ, तुम हर बात पर इतना भड़क क्यों रहे हो। काला पोशाक वाला आदमी डायना की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, सीधे स्थानांतरण द्वार के अंदर घुस जाता है। डायना भी काले पोशाक वाले आदमी के पीछे पीछे ही स्थानांतरण द्वार के अंदर कूद पड़ती है। उन दोनों के उस चक्र में कूदते ही वो चक्र वहां से गायब हो जाता है। स्थानांतरण द्वार एक बड़े घने जंगल में खुलता है। काला पोशाक वाला आदमी और डायना एक एक करके स्थानांतरण द्वार के अंदर से बाहर निकलने लग जाते हैं। उस जगह पर कदम रखते ही स्थानांतरण द्वार पहले की तरह गायब हो जाता है। काला पोशाक वाला आदमी और डायना एक घने जंगल के अंदर थे और उनके सामने ही एक बड़ा सा पहाड़ था जो अंधेरी रात के साथ ही अंधेरे में लिपटा हुआ था, जिस कारण स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। डायना अपने आसपास फैले जंगल को देखते हुए कहती है, यही है क्या लालखाल जंगल। काला पोशाक वाला आदमी डायना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, अपने आसपास ही देखते रहता है। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, आखिर ऐसा क्या इस जंगल में जो इसे लालखाल जंगल कहते हैं, मुझे तो ये नॉर्मल जंगल ही लग रहा है। काला पोशाक वाला आदमी अपने आसपास बड़े गौर से देखते हुए कहता है, ये लालखाल जंगल नहीं है डायना। डायना कुछ परेशान होते हुए काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, क्या, पर मैंने तो एकास्त्र से हमें लालखाल जंगल ही ले जाने के लिए कहा था, तुम कैसे कह सकते हो कि ये लालखाल जंगल नहीं है। काला पोशाक वाला आदमी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि ये लालखाल जंगल की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें याद नहीं कपिराज ने क्या कहा था। डायना कुछ याद करने की कोशिश करते हुए ही मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा था उस कपिराज ने, मुझे तो कुछ याद नहीं। काला पोशाक वाला आदमी डायना को टोंट मारते हुए कहता है, तुम्हें कुछ याद होगा भी कैसे डायना, तुम थक जो गई थी और थकान में कहाँ कुछ याद रह पाता है, पर तुम्हें फालतू की बातें सब याद रहती हैं, बस काम की बात कुछ याद नहीं रहती है। काले पोशाक वाले आदमी की बात सुनकर डायना छोटा सा मुंह कर लेती है और नाराजगी के साथ कहती है, मैं ना वही बातें याद रखती हूँ जो मुझे काम की लगती है, वो बात मुझे काम की नहीं लगी थी तो मैंने याद नहीं रखी। तुमने तो याद रखी है ना, तो तुम ही बता दो क्या कहा था कपिराज ने, इतना भाव क्यों खा रहे हो। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, कपिराज ने कहा था कि लालखाल जंगल को इसलिए लालखाल जंगल कहा जाता है क्योंकि लालखाल जंगल के जो पेड़ हैं उनके तने ऐसे लगते हैं जैसे इंसानों की खाल को चीर कर वहां पर टांग दिया हो, हर पत्ती लाल रहती है और तुम जरा अपने आसपास देखो, एक भी पेड़ का तना लाल नहीं है, ना ही पत्तियां लाल है, सब पेड़ पौधे नॉर्मल है। काले पोशाक वाले आदमी की ये बात कहते ही डायना अपने आसपास लगे पेड़ पौधों को गौर से देखने लग जाती है और वो भी वही बात नोटिस करती है जो अभी अभी काले पोशाक वाले आदमी ने कही थी। डायना काला पोशाक वाले आदमी की बातों से सहमत होते हुए कहती है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मुझे भी ये पेड़ नॉर्मल ही लग रहे हैं। पेड़ क्या, पूरा का पूरा जंगल नॉर्मल लग रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो एकास्त्र की शक्तियों से लालखाल जंगल में जाने के लिए ही स्थानांतरण द्वार बनाया था, फिर हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए और ये कौन सी जगह है। काला पोशाक वाला आदमी फिर डायना को टोंट मारते हुए कहता है, लगता है तुम एकास्त्र की शक्तियों का प्रयोग ढंग से नहीं कर पा रही हो डायना, तभी लालखाल जंगल की जगह कहीं और ले आई हो। डायना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, पर मैंने तो लालखाल जंगल जाने के लिए ही स्थानांतरण द्वार बनाया था, फिर हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। डायना को खुद लगने लग जाता है कि जैसे उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए वो अगले ही पल फिर एकास्त्र की शक्तियों की मदद से लालखाल जंगल जाने के लिए स्थानांतरण द्वार बनाने लग जाती है। फिर एक हरा चक्र उनके सामने बनता है और दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं, पर इस बार दूसरी तरफ स्थानांतरण द्वार जहां पर खुलता है वो लोग वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वो स्थानांतरण द्वार के अंदर से घुसे थे। डायना अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये क्या, हम तो वापस से उसी जगह पर आ गए जहां पर पहले पहुंचे थे, उसी जंगल में। काला पोशाक वाला आदमी गुस्से के साथ डायना को देखते रहता है पर उससे कहता कुछ नहीं है। डायना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, लगता है फिर से कोई गलती हो गई। डायना फिर से स्थानांतरण द्वार बनाती है पर फिर वही होता है जो पहले हुआ था, वो दोनों स्थानांतरण द्वार के अंदर घुसकर
वापस से उसी जंगल में आ जाते हैं। डायना 4-5 बार स्थानांतरण द्वार बनाती है, पर हर बार वही हो रहा था। वो दोनों वापस से उसी जंगल में आ रहे थे। ये सब होते देख काले पोशाक वाले आदमी का गुस्सा आपे से बाहर हो गया था। डायना एक बार फिर एक अस्त्र की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाने वाली थी कि उसी वक्त वो काला पोशाक वाला आदमी डायना के हाथ से एक अस्त्र को छीनते हुए कहता है, तुम रहने दो डायना, लगता है तुम एक अस्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना भूल गई हो। अब मुझे एक अस्त्र की शक्तियों की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाना होगा, तुमसे अब कुछ नहीं होने वाला। डायना काले पोशाक वाले आदमी को गुस्से से घूरती रहती है, पर उसके हाथ से एक अस्त्र नहीं छीनती है। डायना ने स्थानांतरण द्वार बनाने के लिए इतनी बार मंत्र पढ़ा था कि उस काले पोशाक वाले आदमी को वो मंत्र याद हो गया था, और उसका माइंड तो वैसे ही शार्प था जिस कारण कोई भी चीज उसे एक बार में याद हो जाया करती थी। काले पोशाक वाले आदमी अपने हाथ में एक अस्त्र पकड़कर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, शुभ्रमाणी शुभ्रमाणी गच्छन्ति गच्छन्ति संसार मेदिनी यत्रिनामी सफलम करयामी। जैसे काला पोशाक वाला आदमी मंत्र पढ़कर खत्म करता है, उन दोनों के सामने वापस से स्थानांतरण द्वार बन जाता है। वो दोनों जैसे ही उस चक्र के अंदर अपने कदम रखते हैं, स्थानांतरण द्वार वहां से गायब हो जाता है। पर इस बार भी स्थानांतरण द्वार उन्हें वापस से उसी जंगल में ले आता है जहां पर काले पोशाक वाले आदमी ने स्थानांतरण द्वार बनाया था। ये देखकर काला पोशाक वाला आदमी तो हैरान रह जाता है, पर डायना मन ही मन खुश होने लग जाती है। इस बार काला पोशाक वाला आदमी नहीं बल्कि डायना काले पोशाक वाले आदमी को टोंट मारते हुए बोल पड़ती है, कोई मुझे बोल रहा था कि मुझे एक अस्त्र की शक्तियों का उपयोग करना नहीं आता है, सब कुछ भूल चुकी हूँ, और अब देखो जरा कोई तो मंत्र का उच्चारण सही करने के बावजूद भी हमें लाल खाल जंगल नहीं ले जा पा रहा है। काला पोशाक वाला आदमी बस डायना को गुस्से से घूरते रहता है, उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। काला पोशाक वाला आदमी फिर एक बार कोशिश करता है, एक अस्त्र की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाता है और फिर उसके अंदर घुस जाता है। पर इस बार भी डायना और वो काला पोशाक वाला आदमी उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों पहले मौजूद थे। ये सब होते देख डायना की हंसी छूट जाती है, पर इस बार वो काले पोशाक वाले आदमी से कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसने इस बात को भांप लिया था कि काला पोशाक वाला आदमी का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अगर इस वक्त उसने कुछ भी कहा तो उसका बुरा नतीजा हो सकता था। डायना को लगा था कि वो काला पोशाक वाला आदमी फिर से एक अस्त्र की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाएगा, पर इस बार वो स्थानांतरण द्वार बनाने की जगह बस अपने आसपास देखते रहता है, जैसे वो किसी चीज को नोटिस कर रहा हो। वो हर बार एक एक चीज को बड़े गौर से देखे जा रहा था। डायना से रहा नहीं जाता, वो फिर टोंट मारने के मकसद से काले पोशाक वाले आदमी से बोल पड़ती है, क्या हुआ तुम रुक क्यों गए, तुम्हें तो मुझसे अच्छा एक अस्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना आता है, तो फिर बनाओ ना बस स्थानांतरण द्वार और हमें ले चलो लाल खाल जंगल। काला पोशाक वाला आदमी डायना की बात का जवाब देते हुए कहता है, हमें अब कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है डायना, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। काला पोशाक वाले आदमी की बात सुनकर डायना हैरान रह जाती है और अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, पर अभी कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था कि ये लाल खाल जंगल नहीं है, और अब तुम ही कह रहे हो कि हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। काला पोशाक वाला आदमी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैं अभी भी यही कहूंगा डायना कि हम सही जगह पर आए हैं। डायना फिर कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले काला पोशाक वाला आदमी अपने हाथ से इशारा करते हुए डायना से बोल पड़ता है, वो पहाड़ देख रही हो तुम डायना, क्या तुम्हें वो पहाड़ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। काले पोशाक वाले आदमी ने जिस पहाड़ की तरफ इशारा किया था, डायना भी उस पहाड़ की तरफ देखने लग जाती है। गौर से देखने पर डायना को भी वो पहाड़ जाना पहचाना लगने लग जाता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, ये तो वही पहाड़ है जो हमें कपिराज के डेरे से दिख रहा था, इसी पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए तो कपिराज ने हमसे कहा था कि इसके पीछे ही लाल खाल जंगल है। काला पोशाक वाला आदमी डायना की बात में हामी भरते हुए कहता है, वही तो डायना, हमें इस पहाड़ के पीछे ही जाना होगा क्योंकि लाल खाल जंगल इसके पीछे ही है। डायना पलट कर कहती है, पर एक अस्त्र की शक्तियों की मदद से हम सीधे लाल खाल जंगल क्यों नहीं जा पा रहे। काला पोशाक वाला आदमी अपना दिमाग दौड़ाते हुए अगले ही पल डायना के सवाल का जवाब देते हुए बोल पड़ता है, हो सकता है कि उस लाल खाल जंगल में एक अस्त्र की शक्तियां काम ही ना करती हो, ठीक उस तरह जिस तरह ग्रेवयार्ड कोठी में जो अदृश्य कमरा है वहां पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि काले साय ने लाल खाल जंगल में एक ऐसा कवच बनाकर रखा हो कि वहां पर किसी की भी शक्तियां काम ना करे, सिर्फ उसकी करे। काला पोशाक वाला आदमी उस पहाड़ को देखते हुए कहता है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, इस पहाड़ के पीछे जो लाल खाल जंगल है कालगढ़ वहीं पर है, उस भक्षानर के अंश ने वहीं पर अपना डेरा जमा कर रखा हुआ है। डायना चुप खड़ी रहती है। काला पोशाक वाला आदमी फिर बोल पड़ता है, अब हमें बस जल्दी से जल्दी इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ जाना होगा। डायना अपनी भवे ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी।
काला पोशाक वाला आदमी हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, तुमने देखा ना, एकास्त्र की शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। अब हमारे पास बस एक यही रास्ता बचा हुआ है। अगर हमें उस काले साए के पास पहुँचना है तो इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी ही होगी। डायना मुंह बनाने लग जाती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। काला पोशाक वाला आदमी अगले ही पल अपने कदम बढ़ाते हुए पहाड़ की तरफ जाने लग जाता है। डायना भी मुंह बनाते हुए काला पोशाक वाले आदमी के पीछे जाने लग जाती है। डायना को इतना बुरा लग रहा था उस पहाड़ की चढ़ाई देखकर कि वो उस काला पोशाक वाले आदमी से अपना एकास्त्र लेना भूल ही जाती है। वो एकास्त्र उस काले पोशाक वाले आदमी के पास ही रह जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था और उसी सन्नाटे में युग अपने कमरे के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि यामिनी उसके बगल में नहीं थी। युग हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये यामिनी कहाँ चली गई, यहीं पर तो वो सो रही थी। युग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है कि वॉशरूम या पानी पीने गई हो। युग कुछ देर तक यामिनी का बिस्तर पर ही इंतजार करते रहता है, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब यामिनी नहीं आती है तो युग को यामिनी की फिक्र होने लग जाती है। युग यामिनी की चिंता करते हुए खुद से कहता है, ये यामिनी अभी तक आई क्यों नहीं, ये आखिर कहाँ चली गई। ये यामिनी को ना पता नहीं क्या हो गया है, जब से ये अपनी माँ से मिली है तब से कुछ का कुछ कर रही है, इसका किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा है। युग तुरंत बिस्तर पर से उठता है और यामिनी को ग्रेवयार्ड कोठी में ढूंढने लग जाता है, पर यामिनी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। युग खुद से कहता है, ये यामिनी तो कहीं पर भी नहीं है, अगर ये ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है, वो भी इतनी रात में। युग कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, जरूर यामिनी वहीं पर गई होगी, मुझे भी वहीं पर जाना होगा। इतना कहकर युग ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर यामिनी को ढूंढने निकल जाता है। इस तरफ काला पोशाक वाला आदमी और डायना पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। पहाड़ चढ़ते चढ़ते डायना काफी थक गई थी, पर काला पोशाक था कि वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डायना के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पहाड़ चढ़ते वक्त डायना बीच बीच में काफी बार रुकी थी, जिस कारण काले पोशाक वाले आदमी को भी रुकना पड़ रहा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो जल्द से जल्द पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ जाना चाहता था, ताकि लालखाल जंगल में जाकर कालगढ़ का पता लगा सके। डायना पहाड़ की चोटी को देखते हुए कहती है, और कितना चलना पड़ेगा मुझे, अभी तक ये पहाड़ खत्म नहीं हुआ क्या। काला पोशाक वाला आदमी चलते हुए कहता है, डायना अभी तो बस आधा सफर तय हुआ है, अभी तो हमें और ऊपर जाना है और फिर उसके बाद पहाड़ से नीचे भी उतरना है। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, पहाड़ चढ़कर नीचे भी उतरना है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, और नहीं तो क्या डायना, दूसरी तरफ पहाड़ के नीचे ही तो लालखाल जंगल है। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, इस काले साए को भी इतने बड़े पहाड़ के पीछे ही कालगढ़ बनाना था क्या, ये कहीं और कालगढ़ नहीं बना सकता था क्या। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, कालगढ़ की रचना वहीं पर की जाती है जहां पर काली शक्तियों का वेग ज्यादा हो, और हो सकता है वो लालखाल जंगल के पास ही हो, तभी काले साए ने वहीं पर कालगढ़ बनाया हो। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। डायना भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। अभी काले पोशाक वाले आदमी और डायना ने मिलकर 10-11 कदम चले ही होंगे कि डायना फिर रुकते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी, अगर हम यहीं पर रुक जाएं तो। डायना की ये बात सुनते ही काला पोशाक वाला आदमी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है, पर पलटकर कुछ कहता नहीं है, बस गुस्से के साथ ही अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उस काले पोशाक वाले आदमी ने अपने कदम पटक पटक कर आगे बढ़ाने शुरू कर दिए थे, जिनकी आवाज डायना के कानों में गूंजने लग गई थी। डायना फिर बोल पड़ती है, अरे सुनो तो, मैं कुछ बोल रही हूँ पर तुम की मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं कह रही थी अगर हम यहीं पर रुक जाएं तो। काला पोशाक वाला आदमी फिर भी अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है, कुछ नहीं कहता है। डायना चीखते हुए बोल पड़ती है, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या, बहरे हो गए हो क्या, कुछ तो बोलो, ऐसे कहाँ चलते जा रहे हो, हम रुकते हैं ना यहाँ पर। वो काला पोशाक वाला आदमी तुरंत रुकता है और पीछे मुड़कर डायना पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है डायना, अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने रुककर आराम किया था ना, और तुम हो कि फिर से रुककर आराम करने को बोल रही हो। जब से हमने पहाड़ चढ़ना शुरू किया है तुम कम से कम 50 बार रुक चुकी हो, तब भी तुम्हारी थकान कम नहीं हुई क्या। पहले तो काले पोशाक वाले आदमी को इतना गुस्सा करते देख डायना डर जाती है, उसके हाथ पैर कंपकपाने लग जाते हैं, पर जैसे तैसे वो हिम्मत करके अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए फिर उस काला पोशाक वाले आदमी से बोल पड़ती है, मैं यहाँ पर रुककर थोड़ी देर आराम करने का थोड़ी बोल रही हूँ। काला पोशाक वाला आदमी डायना को एकटक देखते हुए उससे पूछता है,
तो फिर क्या बोल रही हो तुम डायना? डायना झट से जवाब देते हुए कहती है, मैं तो आज रात यहीं पर आराम करने का बोल रही हूँ। हम अपना आज रात का डेरा यहीं पर जमा लेते हैं ना, कल सुबह बाकी के पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं, इनसे तो अब जरा सा भी चला नहीं जाएगा। काला साया काफी देर से अपना सारा गुस्सा अपने अंदर दबाए हुए था, पर अब वो अपने गुस्से पर और काबू नहीं करता है। तुरंत डायना पर फटते हुए बोल पड़ता है, हाँ तुम तो बहुत नाजुक कली हो ना डायना, जो तुम्हें आराम की जरूरत है, तो ठीक है तुम यहीं पर आराम कर लो, मैं अकेले ही पहाड़ की चढ़ाई कर लूंगा, मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। डायना भी चिढ़ते हुए कहती है, तुमने क्या मुझसे हर बात पर झगड़ने की कसम खाई है? जब देखो हर बात पर मुझसे झगड़ते रहते हो। मैं तुम्हारा साथ देने से कहां मना कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज रात हम यहीं पर रुक। डायना अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही काला पोशाक वाला आदमी बोल पड़ता है, मैंने तुम्हारा साथ मांगा ही कब है डायना? ना मैंने तुम्हारा साथ पहले मांगा था, ना अब मांग रहा हूँ। वो तो तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई हो, जब से मैंने तुम्हारी उस रूबीना से जान बचाई है, मेरी ही गलती थी, उस रात मुझे तुम्हारे और रूबीना के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। काले पोशाक वाले आदमी की बात सुनकर डायना का मुंह छोटा सा हो जाता है, वो काले पोशाक वाले आदमी से कुछ बोल ही नहीं पाती है, बस मायूसी के साथ अपनी नजरें नीचे कर लेती है। काला पोशाक वाला आदमी गुस्से में फिर से बोल पड़ता है, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी बातों से, बस बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें, अब मैं और नहीं झेल सकता। डायना हैरानी के साथ काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, क्या कहा तुमने कि तुम मुझे नहीं झेल सकते? इसका मतलब तुम इतने दिन से बस मुझे झेल रहे थे, और मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरा साथ पसंद है। काला साया पलट कर कहता है, ये तुम किस गलत फहमी में जी रही हो डायना, मुझे तुम्हारा साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, इतने दिन से मैं बस तुम्हें झेल ही तो रहा हूँ, जब देखो तुम्हारा कोई ना कोई नाटक चलते ही रहता है, और सबसे बड़ा तो ये थकने वाला नाटक है, जब देखो तुम थक जाती हो, उस बार नर भेड़ियों से लड़ाई थी तब भी थक गई थी, आत्माओं से लड़ाई थी तब भी थक गई थी, और अभी कल की ही बात है, कपियों से लड़ाई थी तो भी थक गई थी, हमेशा तो तुम थक ही जाती हो, और जब देखो आराम करने का बोलती रहती हो, पर अब मैं आराम नहीं करने वाला। काला पोशाक की बातें सुनकर डायना भी गुस्से से भर जाती है, और वो भी गुस्से से बोल पड़ती है, तुम्हें अब मुझे झेलने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा, और इस वक्त मेरा मन आराम करने का है, मैं तो अब यहीं बैठकर आराम करूंगी, और अब यहां से कल सुबह ही जाऊंगी। इतना कहकर डायना जहां पर खड़ी हुई थी फुर्ती के साथ वहीं पर बैठ जाती है। काला पोशाक वाला आदमी गुस्से के साथ ही कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही डायना, मैं भी अब किसी के आराम करने तक का इंतजार नहीं कर सकता, मैं कालगढ़ के बहुत नजदीक हूँ, और मैं वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच कर रहूंगा, तुम्हें यहीं पर रुकना है तो रुको खुशी से, मुझे तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए फिर से पहाड़ की चढ़ाई करने लग जाता है। डायना मायूसी के साथ वहीं पर बैठी रहती है, उसका मन तो बहुत था काले पोशाक वाले आदमी के साथ जाने का, पर उसकी कांटों से भरी बातें सुनकर उसका दिल छलनी हो गया था, जिस कारण वो अपनी सारी इच्छाओं को मन में ही दफना देती है और वहीं पर बैठी रहती है। काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। इस तरफ बंगला मुड़ा घाट पर यामिनी बैठी हुई थी, रात का अंधेरा अभी तक कायम था, यामिनी के आसपास ही ढेर सारे जुगनू मंडरा रहे थे, पर यामिनी का ध्यान उन जुगनुओं पर था ही नहीं, वो तो बस मायूसी के साथ घाट पर बैठी हुई थी और एकटक नजर से बहती हुई नदी को देख रही थी। किश्नोई नदी खामोशी के साथ बह रही थी। यामिनी का मन जब भी बेचैन हुआ करता था वो यहीं घाट पर आकर ही बैठ जाती थी, और जब से वो अपनी माँ कामेश्वरी यक्षिणी से मिली थी तब से उसका मन कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गया था, उसको एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल पा रहा था, बहती हुई नदी को देखकर ही उसके मन को सुकून मिलता था, इसलिए वो इस वक्त शांति के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी। यामिनी बहती हुई नदी को देखते हुए खुद से कहती है, काश इस बहते हुए पानी के साथ ही मेरा सारा दर्द बह जाता, इंसानों के साथ रहते रहते मेरी जिंदगी भी इंसानों की तरह हो गई है, जिसमें दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक जख्म ये जिंदगी देते जा रही है, ऐसे जख्म जो भरने का नाम नहीं ले रहे। यामिनी कुछ याद करते हुए फिर खुद से बोल पड़ती है, बचपन से जिस बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े होने पर पता चला कि उसका प्यार तो प्यार था ही नहीं, बस एक छलावा था, जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी उसी बाबा ने मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। यामिनी अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ से मिलूं, उसी माँ से मिलने के लिए तो मैंने युग बाबू को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, और मैं उनसे सच में प्यार कर बैठी, क्या क्या नहीं किया था मैंने माँ को ढूंढने के लिए, पर जब वो माँ सामने आई तो उस माँ के दिल में मुझे मेरे लिए माँ का प्यार दिखा ही नहीं। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए बोल पड़ती है, वो तो बस अपना ताज लेने के लिए मेरे पास आई थी। यामिनी रोते हुए खुद से कहती है, आखिर एक माँ ऐसी कैसे हो सकती है, एक माँ तो ममता की मूर्त होती है, क्यों मेरी माँ के दिल में मेरे लिए जरा सी भी ममता नहीं है, जरा सा भी प्यार नहीं है।
यामिनी सिसकियां भरते हुए कहती है, एक बार भी मेरी माँ ने मुझे बेटी करके नहीं पुकारा, बस ताज ताज करती रही, जैसे उन्हें मुझसे ज्यादा अपने ताज से प्यार हो। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो माँ, कैसे हो सकती हो। इतना कहकर यामिनी दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। रो रो कर आंसुओं के जरिए यामिनी अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल रही थी। एक आम इंसान की तरह इंसानों के बीच रहकर वो भी सच में इंसान बन गई थी। हम इंसान भी तो रोकर अपना मन हल्का कर लेते हैं, और यामिनी भी इस वक्त वही कर रही थी। यामिनी रोते हुए अपनी माँ को याद ही कर रही थी कि तभी उसे पानी में हलचल होती हुई नजर आती है, जिस कारण उसका ध्यान वहाँ पर चले जाता है। यामिनी रोना बंद कर देती है। जब यामिनी सामने की तरफ अपनी नजरें करती है तो उसे अंधेरे में नदी के अंदर कोई नजर आता है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे ये तो नजर नहीं आ रहा था कि नदी के अंदर कौन था, पर नदी की हलचल को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई नदी पार करते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है। उस शख्स के पीछे ही 3-4 जुगनू भी आ रहे थे, पर उनसे भी उतनी रोशनी नहीं हो रही थी कि पता चल सके कि वो कौन है। यामिनी उस तरफ अपनी नजरें गड़ा लेती है। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, इस वक्त कौन नदी पार करके यहाँ पर आ रहा है। अगले पल नदी में खड़े शख्स का चेहरा देखकर यामिनी को दिखने लग जाता है। जब यामिनी उस शख्स का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आंसू जो उसने पोंछ लिए थे, वो आंसू उसकी आंखों में फिर से नजर आने लग जाते हैं। यामिनी की आंखें नम होने लग जाती हैं, पर यामिनी इस बार उन आंसुओं को बहने नहीं देती है। अपने दर्द के साथ उन आंसुओं को आंखों में ही समा लेती है। यामिनी की आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि कामेश्वरी यक्षिणी खड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी को देखकर यामिनी तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। यामिनी के समझ ही नहीं आता कि कामेश्वरी यक्षिणी वहां पर अचानक से कैसे आ गई थी। वो तो बस अपनी माँ को याद कर रही थी और कामेश्वरी यक्षिणी साक्षात उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, यामिनी मेरी बच्ची। जब यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से ये शब्द सुनती है तो उसका मन भर आता है। यही तो वो शब्द थे जो वो कब से कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से सुनना चाहती थी, पर इस बार वो अपनी सारी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लेती है। कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ नहीं कहती है। कामेश्वरी यक्षिणी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए यामिनी के पास पहुंच जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी बड़ी उम्मीद के साथ यामिनी की आंखों में देखते हुए फिर बोल पड़ती है, यामिनी मेरी बच्ची कैसी हो तुम। यामिनी अभी भी कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ नहीं कहती है। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कामेश्वरी यक्षिणी से अभी भी नाराज है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती है। कामेश्वरी यक्षिणी ये बात यामिनी को देखकर ही समझ जाती है। कैसे न समझती, आखिर वो उसकी माँ जो थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर कोशिश करते हुए यामिनी से कहती है, यामिनी तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, क्या तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगी। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से अपनी नजरें चुराने लग जाती है, यहाँ वहां देखने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के गाल पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ करते हुए कहती है, मेरी तरफ देखो मेरी बच्ची, ऐसे चुप मत रहो, मुझसे बात करो। जब कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को छूती है तो यामिनी को कामेश्वरी यक्षिणी के स्पर्श से एक अपनापन महसूस होने लग जाता है। वो अपने जज्बातों पर काबू ही नहीं रख पाती है और ना चाहते हुए भी कामेश्वरी यक्षिणी से नाराजगी के साथ बोल पड़ती है, अब फिर आ गई मेरे पास अपना ताज लेने के लिए, पर मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं आपको ताज नहीं देने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, तुम गलत समझ रही हो मेरी बच्ची, मैं यहाँ पर ताज लेने के लिए नहीं आई हूँ। यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पलट कर पूछती है, अगर आप ताज लेने नहीं आई हैं तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पलट कर पूछती है, अगर आप ताज लेने नहीं आई हैं तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ मेरी बच्ची। ये जवाब पाकर यामिनी को बहुत अजीब लगता है। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से हैरानी के साथ पूछती है, आप मुझसे मिलने के लिए आई हैं पर क्यों? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है मेरी बच्ची, क्या मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं आ सकती? यामिनी कुछ नाराजगी के साथ कहती है, बहुत जल्दी याद आ गई आपको अपनी बेटी की, कल रात तो आपको कुछ याद नहीं था, बस याद था तो अपना ताज, तभी बार बार अपना ताज मुझसे मांग रही थी, जैसे आप अपनी बेटी के लिए नहीं अपने ताज के लिए उसके पास आई हो। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, अपनी उसी गलती को तो मैं सुधारने के लिए आई हूँ मेरी बच्ची। यामिनी फिर टोंट मारते हुए कहती है,
बहुत जल्दी हो गया आपको अपनी गलती का एहसास, कामेश्वरी यक्षिणी कहती है। गलती का एहसास तो मुझे कल रात ही हो गया था मेरी बच्ची, उस वक्त जब नाराज होकर तुम वापस से ग्रेवयार्ड कोठी में जा रही थी। मैंने तो उसी वक्त तुम्हें रोकने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया था, पर वो युग मेरे सामने आकर खड़ा हो गया क्योंकि उसे लगा कि मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। पर सच तो ये था कि उसी वक्त मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुमसे बात करना चाहती थी। यामिनी चुप ही रहती है, कुछ नहीं कहती है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, माना मेरी गलती है, मुझे पहले तुमसे मिलना चाहिए था, तुम्हारा हालचाल पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि तुम कैसी हो, इतने दिनों तक मेरे बगैर तुम कैसे रही, पर मैं क्या करती मेरी बच्ची, तुम ही बताओ। उस वक्त मेरे दिमाग में बस उस भक्षानर के अंश के अंत के बारे में चल रहा था। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और उसी बदले की आग में मैं अपनी बच्ची को भूल गई, तुम्हें भूल गई। मेरी बेटी, मुझे बस मेरा ताज याद रहा क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरी बच्ची कि एक यक्षिणी अधूरी है उसके ताज की शक्तियों के बिना। बिना ताज के मैं उस भक्षानर के अंश का अंत नहीं कर सकती। ताज को पाने की लालसा में मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मेरी बच्ची भी मेरे लिए सालों से तड़पी है, पहले मुझे उससे मिलना चाहिए। कामेश्वरी यक्षिणी की बातें सुनकर यामिनी की आंखें नम होने लग जाती हैं, पर वो कुछ कहती नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में रोते हुए नहीं देख सकती, तभी तो तुम्हारे दर्द का एहसास होते ही मैं सीधे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए चली आई। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के आसपास जो जुगनू मंडरा रहे थे उनको देखते हुए कहती है, आप मेरे दर्द की पुकार सुनकर यहाँ पर आई हैं या फिर इन जुगनुओं ने आपको संदेश दिया कि मैं घाट पर आई हूँ? यामिनी की बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जैसे उसने जो कहा हो एकदम सही हो, जुगनुओं ने ही उसे यामिनी के बारे में बताया हो। यामिनी फिर बोल पड़ती है, अगर आपको लगता है कि आपकी ये प्यार भरी बातें सुनकर मेरा फैसला बदलने वाला है तो एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, मैं आपको ताज नहीं देने वाली, वो ताज अब मेरा है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, मुझे इस वक्त ताज की सख्त जरूरत है मेरी बेटी, मेरा ताज मुझे वापस दे दो। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं आपको वो ताज नहीं देने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी को चिढ़ते हुए कहती है, क्यों मेरी बच्ची, क्यों तुम मुझे वो ताज नहीं देना चाहती? यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहती है, मैं आपको ताज क्यों नहीं देना चाहती इसके पीछे की वजह आप अच्छे से जानती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी खामोश खड़ी रहती है। यामिनी फिर बोल पड़ती है, आप बताइए आप ताज लेकर क्या करने वाली हैं? कामेश्वरी गुस्से के साथ कहती है, उस भक्षानर के अंश का अंत करना चाहती हूँ मैं ताज लेकर। यामिनी बड़े ताव के साथ कहती है, सिर्फ भक्षानर के अंश का अंत या फिर उसके पूरे वंश का अंत जिसमें युग बाबू का नाम सबसे ऊपर है? कामेश्वरी खामोशी रहती है, बस हैरानी के साथ एकटक यामिनी की आंखों में देखते रहती है। यामिनी फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ती है, क्यों मैंने सही कहा ना माँ, आप ताज लेकर सबसे पहले युग बाबू को ही मारने वाली थी ना, भक्षानर के वंश के अंत की शुरुआत युग बाबू से ही करने वाली थी ना। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ यामिनी से पूछती है, तुम्हें ये बात कैसे पता यामिनी? यामिनी पलट कर कहती है, कैसे पता नहीं होगी, आप शायद भूल जाती हैं कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। उस रात जब आप रज्जन के साथ मिलकर युग बाबू को मारने वाली थी और मैंने आपको रोक लिया था, उसी वक्त मैंने आपकी आंखों में युग बाबू को मारने की तड़प देख ली थी। मुझे दिख गया था कि आप भक्षानर के वंश से कितनी नफरत करती हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपकी बेटी युग बाबू से कितना प्यार करती हूँ। आप युग बाबू को मारने के लिए तैयार हो गई थी, किसी भी तरह भक्षानर के वंश का नामो निशान मिटाना चाहती हैं। कामेश्वरी कहती है, हाँ मिटाना चाहती हूँ मैं भक्षानर के वंश का नामो निशान इस पूरे संसार से, क्योंकि अगर मैंने भक्षानर के वंश को खत्म नहीं किया तो भक्षानर का वंश पूरे संसार को खत्म कर देगा और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, और मैं युग बाबू को मरते हुए नहीं देख सकती माँ। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे ताज की जरूरत है यामिनी बेटी, समझो और मुझे मेरा ताज दे दो। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, सच्चाई को सामने आने में देर नहीं लगती माँ, देखा ना सच्चाई सामने आ ही गई, आप आज भी मेरे पास ताज लेने के लिए आई हैं ना कि मुझसे मिलने के लिए, मैंने सही कहा ना? कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मेरी बच्ची ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को टोकते हुए कहती है, ऐसा ही है माँ, तभी तो देखो ना आप फिर से ताज की रट लगाने लग गई। कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये सब क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने आई थी पर रिश्ते वापस से जुड़ने की जगह फिर से टूटने लगे हैं। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, पता होना चाहिए था कि आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वो है आपका ताज, अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है।
इतना कहकर यामिनी पीछे मुड़ती है और वहां से जाने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को पुकारते हुए कहती है, रुको यामिनी बेटी, मेरी बात तो सुनो। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती माँ, आप चले जाइए यहाँ से और अब मैं भी जा रही हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी फिर यामिनी को पुकारते हुए कहती है, यामिनी बेटी सुनो तो, रुको दो मिनट। यामिनी इस बार कुछ नहीं कहती है, अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी बार बार यामिनी को रोकने के लिए पुकार रही थी, पर यामिनी थी कि रुकी नहीं रही थी, अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, ये सब क्या हो गया, मैं करने कुछ आई थी और हो कुछ और गया। यामिनी तो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो गई, अब मैं इसे कैसे मनाऊं। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी यामिनी को पुकारे जा रही थी, पर यामिनी रुकी नहीं रही थी। तभी वहां पर काला झाड़ी जंगल की तरफ से युग आ जाता है। युग यामिनी और कामेश्वरी यक्षिणी को बंगला मुड़ा घाट पर देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि कामेश्वरी यक्षिणी बार बार यामिनी को रुकने का बोल रही थी, पर यामिनी थी कि उसकी एक बात नहीं सुन रही थी, अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। युग यामिनी से कहता है, यामिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यामिनी नम लहजे के साथ ही युग से कहती है, युग बाबू मैं तो यहाँ घाट पर सुकून के कुछ पल बिताने आई थी ताकि कुछ पल चैन मिल सके, पर लगता है अब ये चैन मुझे कभी नसीब नहीं होने वाला, अब मैं कभी इस घाट पर नहीं आऊंगी। कामेश्वरी यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, यामिनी मेरी बच्ची मेरी बात तो सुनो। यामिनी कुछ नहीं कहती है। युग यामिनी से बोल पड़ता है, यामिनी तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। यामिनी पलट कर कहती है, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी युग बाबू। युग कहता है, यामिनी तुम सुन तो लो वो क्या कहना चाहती है तुमसे। यामिनी कहती है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना युग बाबू, और आप भी कुछ मत सुनिए, चलिए आप मेरे साथ। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से लेकर जाने लग जाती है। युग मन में सोचने लग जाता है, मैं तो खुद यामिनी को उसकी माँ से मिलवाना चाहता था, पर ये यामिनी तो अपनी माँ से बात ही नहीं करना चाहती, अब मैं क्या करूँ। युग जाते हुए पीछे मुड़कर कामेश्वरी यक्षिणी को देखने लग जाता है, जो अभी भी यामिनी को पुकारे जा रही थी। युग कामेश्वरी यक्षिणी को देखते हुए मन में सोचता है, मुझे तो कामेश्वरी यक्षिणी से भी बात करनी थी, पर यामिनी के सामने वो बात मैं कर नहीं सकता, और यदि इस वक्त यामिनी का साथ छोड़कर मैं कामेश्वरी यक्षिणी के पास गया उससे बात करने, तो यामिनी मुझसे नाराज हो जाएगी, उसे लगेगा कि मैं भी उसके साथ नहीं हूँ, वो वैसे ही टूटी हुई है, यामिनी के खिलाफ जाकर मैं उसे और नहीं तोड़ सकता हूँ, इस वक्त यामिनी के साथ जाना ही बेहतर होगा, कामेश्वरी यक्षिणी से मैं बाद में बात कर लूंगा। युग वापस से सामने की तरफ अपनी नजरें करता है और यामिनी के साथ ही अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी घाट पर ही खड़ी रहती है और यामिनी को आवाज लगाते हुए पुकारते रहती है, पर यामिनी रुकती ही नहीं है। युग और यामिनी दोनों वहां से चले जाते हैं। जब कामेश्वरी यक्षिणी देखती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी वहां से जाने लग जाती है। इस तरफ काला पोशाक वाला आदमी लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। जैसे जैसे वो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते जा रहा था, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही ठंड भी बढ़ते जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, जिस कारण वो ठंड से कांपने लग गया था, पर फिर भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद ही दम भरने वाला था, पर पहाड़ की चोटी से अभी भी वो काफी दूर था। डायना से दूर आ जाने के बाद भी उसके मन में डायना का ही ख्याल आ रहा था, वो बार बार डायना के बारे में सोच रहा था। काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ही फिर डायना के बारे में सोचते हुए खुद से बोल पड़ता है, पता नहीं डायना ठीक भी होगी या नहीं, मुझे इस तरह पहाड़ पर उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो जैसी भी हो पर है तो मेरी दोस्त ही ना, पर मैं क्या करता, वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी, उसके लिए आराम करना बहुत जरूरी है और मेरे लिए जल्द से जल्द कालगढ़ पहुंचना। अगले ही पल काला पोशाक वाला आदमी डायना के बारे में कुछ और सोचते हुए कहता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मुझे डायना के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, आखिर वो कोई आम लड़की नहीं है, डायन है डायन, उसी डायन ने तो काफी दिनों से मेरा जीना मुश्किल करके रखा हुआ था, जब देखो उसकी बकवास मुझे सुननी पड़ती है, पर अब सब ठीक है। उसका साथ छूटने के साथ ही उसकी बकवास बातों से भी साथ छूट गया, अब वो सब मुझे नहीं सुनना पड़ेगा। अगर डायना के साथ बीच बीच में मुझे रुकना नहीं पड़ता तो मैं तो कब का कालगढ़ पहुंच चुका होता, मुझे उसी के कारण इतनी देर हुई है। यही सब बड़बड़ाते हुए काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। वो चल ही रहा था कि तभी उसे एक ऐसी चीज दिखती है जिसको देखकर उसके कदम अपने आप थम जाते हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। काला पोशाक वाला आदमी उसी चीज को देखते हुए खुद से कहता है, अब ये क्या है। काला पोशाक वाले आदमी के सामने कुछ और नहीं बल्कि कई सारी गुफाएं थी जो पहाड़ पर ही बनी हुई थी। तीन लाइनों में एक के ऊपर एक गुफा बनी हुई थी
और हर लाइन में करीब 10 गुफाएं थी। हर गुफा का मुख इतना बड़ा था कि एक साथ 4-5 आदमी उसके अंदर आराम से घुस सकते थे। दूर से देखने पर हर गुफा एक जैसी लग रही थी। उन गुफाओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा प्राकृतिक थी, अपने आप ही पहाड़ के अंदर बन गई थी। काला पोशाक वाला आदमी खुद से कहता है, इतनी सारी गुफाएं, वो भी इस पहाड़ पर, आखिर इन गुफाओं के अंदर है क्या? गुफा के अंदर क्या है ये जानने की इच्छा काला पोशाक वाले आदमी के अंदर बढ़ने लग जाती है और अगले ही पल वो बिना कुछ सोचे समझे एक गुफा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही काला पोशाक वाला आदमी उस गुफा के अंदर कदम रखता है, ढेर सारी बॉट फ्लाई उड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ आने लग जाते हैं, पर उनमें से कोई भी बॉट फ्लाई उसे कुछ करता नहीं है। वो बाहर निकलकर सीधे आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था जिस कारण उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तुरंत वज्र निकालने लग जाता है, पर तभी उसकी नजर एकास्त्र पर पड़ती है और उसे याद आता है कि डायना का एकास्त्र तो उसी के पास रह गया था। काला पोशाक वाला आदमी खुद से कहता है, ये क्या, डायना का एकास्त्र तो मेरे पास ही रह गया है, वो अब अकेले कैसे सफर करेगी पहाड़ी पर? उस काला पोशाक वाले आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उसे गुफा के अंदर एक हलचल महसूस होती है। उसे फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे गुफा के अंदर कोई हो। काला पोशाक वाला आदमी घबराते हुए खुद से कहता है, ये कैसी आवाजें हैं? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।